कर रहा है। आज एक एक भारतीय के मन में आक्रोश है। आज बनारस में तोफापुर गांव चौबेपुर थाना अंतर्गत यहाँ के भी एक लाल ने माँ भारती के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है, अपनी शहादत दी है। आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ गम का भी माहौल है और एक गर्व का भी माहौल है। हमारे साथ शहीद रमेश जी के पिताजी भी हमारे साथ खड़े हैं। अभी मैं आया तो आप हमसे कह रहे थे कि अभी एक बेटा हमारा गया है, लेकिन भारत की सेवा में हमें दूसरे बेटा को भी देना पड़ेगा, तो हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसा माहौल यहाँ पर है। मैं समझता हूँ कि इस शहादत को सबको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और इस दुख की घड़ी में चाहे सरकार हो चाहे एक एक जन हो, सबको शहीद के परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। कोई बात हो पाई आपके ऊपर मिनिस्ट्री में? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उनका स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट संदेश भी है कि सरकार पूरी तरीके से शहीद के सम्मान में खड़ी है। शहीद का जो परिवार है, उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, सरकार की है। सरकारी जो सुविधाएं हैं, सरकारी का जो सिस्टम है सरकार का, उसके तहत जो मदद है वो सब तो होगी ही, उसके अलावा भी शहीद के परिवार के साथ बैठा जाएगा, उनके रिश्तेदार उनके मित्र दोस्तों के साथ बैठा जाएगा, और जो कुछ भी बन पड़ेगा हम सब लोगों को, वो सब कुछ हम लोग करने के लिए तैयार हैं जो परिवार को आवश्यकता है, ज़रूरत है। मंत्री जी, देश का नागरिक होने के लिए अब हम लोगों को तो मौका नहीं मिला, लेकिन मन में यही इच्छा होती है कि काश सरहद पर हम लोगों को भी लड़ने का अवसर मिलता। मेरे पिताजी भी सैनिक रहे हैं, जल सेना में 1962 की भी वो लड़ाई लड़े हैं, 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ की भी लड़ाई में वो शामिल रहे हैं। हम लोग को उतना अच्छी किस्मत नहीं रही, हम लोग बदकिस्मत मानते हैं, और काश हम लोगों को भी सरहद पर लड़ने का मौका मिलता, दुश्मन का मुकाबला करने का मौका मिलता। आज के दिन में ऐसा ही भाव मन में पैदा होता है।